नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिल्मी स्कूल में। और आज हम बात करेंगे फिल्म मालिक की। इस फिल्म का लीड कैरेक्टर सुलेमान उर्फ इक्का अली क्या है? एक हीरो है, एक विलेन है, एक मसीहा है, या सिर्फ एक आम आदमी है जो कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो बन पड़े करता है, और उसके लिए उसे किस रास्ते पर चलना पड़े उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म की स्टार्टिंग होती है सुलेमान के घर से, जहां बहुत लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, खाना पीना चल रहा है, बिरयानी बन रही है, और गरीब लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है जो कि अपनी अपनी शिकायतें और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सुलेमान के घर पहुंचे हैं, इस उम्मीद में कि सुलेमान उनके लिए कुछ करेगा। सुलेमान जो कि एक बहुत बड़े डॉन या यूं कह लें कि गरीबों के गॉड फादर के रोल में है, वो अपने सारे गलत धंधे छोड़कर हज पर निकलने वाला है। लेकिन हज पर जाते समय एयरपोर्ट में ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। लेकिन पुलिस की प्लानिंग उसे सजा दिलवाने की नहीं है, बल्कि जेल में ही उसे खत्म करवा देने की है, क्योंकि पुलिस जानती है कि इसे सजा नहीं हो पाएगी और अपने पावर और इन्फ्लुएंस के दम पर ये जेल से छूट जाएगा। तो उन्हें खोजना है एक ऐसा इंसान जो कि जेल के अंदर ही सुलेमान को मार दे। लेकिन सुलेमान को मारने वाला कातिल ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों पर सुलेमान के बहुत एहसान है और वहां के लोगों के दिल में सुलेमान की एक अलग इज्जत है। और सुलेमान इतना बड़ा आदमी कैसे बना और ये इज्जत उसने कैसे कमाई, इसके लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब केरला के रमादेपल्ली नाम के गांव में 6 साल के सुलेमान ने कदम रखा, और वो भी अपने मौत के मुंह से बाहर आकर। जब उसे दफनाया जाने लगा तो वो मर कर भी फिर से जिंदा हो गया, और फिर यहां से शुरू होता है सुलेमान का जमीन से शुरू होकर आसमान तक पहुंचने का सफर। केरला के रमादेपल्ली नाम के जिस गाँव की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है, वो ठीक समुन्दर के किनारे बसा है, और वहां के लोगों के जीवन यापन के लिए सिर्फ एक ही जरिया है, समुंदर। औरतें समुंदर से पकड़ी हुई मछलियां बेचती हैं, जिसमें उनकी कुछ खास कमाई नहीं होती, और वहां के लोकल लड़के समुंदर के थ्रू स्मगल होके आने वाले सामान को समुंदर से अपने गांव लाते हैं और फिर अपने गांव में बेचते हैं। और फिर इसी धंधे में कदम रखता है सुलेमान और उसका दोस्त डेविड। अब सुलेमान एक मुस्लिम है और डेविड एक क्रिश्चियन है, और उस पूरे गाँव में मेनली यही दो समुदाय बसे हुए हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम। अब धीरे धीरे सुलेमान अपने तेज दिमाग से ना सिर्फ इस पूरे धंधे में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, बल्कि अपने स्वभाव और बड़े दिल होने की वजह से लोगों का भरोसा भी जीतता है। पैसा कमाने के साथ साथ सुलेमान अपने समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय के लिए भी काफी कुछ करता है, जिससे सुलेमान का ना सिर्फ अपने गांव में वर्चस्व बढ़ता है बल्कि उसकी इज्जत भी बढ़ती है। सुलेमान के दोस्त डेविड का रोल किया है विनय फोर्ट ने, और इसमें एक और कैरेक्टर है डेविड की बहन रोजलिन, जिसका रोल किया है निमिषा साजियान ने। और बाद में सुलेमान डेविड से बात करके रोजलिन से शादी भी कर लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर डेविड को उन दोनों का रिलेशन काफी खटकता है। तो सुलेमान और डेविड के बीच में दुश्मनी का जो बीज है वो यहीं से शुरू होता है। अब सुलेमान जिस बड़े गुंडे के अंडर में काम करता था, उससे बाहर निकलकर अपना खुद का काम करना शुरू करता है, जिसके कारण सुलेमान के कई दुश्मन बन जाते हैं, जिसके कारण सुलेमान को अपने एक दुश्मन का मर्डर भी करना पड़ता है, और फिर सुलेमान को अपने गाँव छोड़कर एक दूसरे गाँव में शिफ्ट होना पड़ता है अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए। और तब वहां एंट्री होती है एक नए मैजिस्ट्रेट की। वो मैजिस्ट्रेट किसी भी कीमत पर सुलेमान को रोकना चाहता है, और उसे ये लगता है कि सुलेमान और डेविड के बीच अगर दुश्मनी हो जाए तो सुलेमान को नीचे लाया जा सकता, और वो ऐसा ही करता है। डेविड के थ्रू पुलिस सुलेमान को सरेंडर करवाती है, और जब सुलेमान जेल के अंदर होता है तो डेविड सुलेमान के बेटे को क्रिश्चियन रीति रिवाज से बड़ा करने लगता है। सुलेमान को जब ये बात पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका यही सपना था कि वो अपने बेटे को मुस्लिम रीति रिवाजों से बड़ा करे। धर्म और बिजनेस के इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण सुलेमान और डेविड में बहुत भयानक दुश्मनी हो जाती है, और डेविड सुलेमान के खून का प्यासा हो जाता है। सुलेमान जो कि अपने तेज दिमाग से एक के बाद एक ऊंचाई पर पहुंचने लगता है, वहीं डेविड की स्थिति बहुत ही ज्यादा बद से बदतर होने लगती है, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण डेविड अंदर ही अंदर सुलेमान से बहुत ज्यादा जलने लगता है। यहां सुलेमान को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और नेता दोनों मिलकर क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में दंगे करवा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब तक दोनों समुदाय एक हैं तब तक सुलेमान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इन्हीं दंगों में सुलेमान के बेटे को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो जब सुलेमान जेल के अंदर कैद होता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर
जो कि सुलेमान को मार सकता है वो बन जाता है डेविड का बेटा। पुलिस डेविड के बेटे को उठाती है और उसे किसी तरीके से मैनिपुलेट करती है कि जेल के अंदर ही वो सुलेमान की जान ले ले। डेविड जो कि सुलेमान से पहले से ही नफरत करता था, उसे अपनी बेइज्जती और अपने खराब स्थिति का बदला लेने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाता है और वो भी अपने बेटे से यही कहता है कि वो सुलेमान की जान ले ले। और फाइनली जब जेल में डेविड का बेटा सुलेमान की जान लेने जाता है तो सुलेमान उसे अपने साइड की पूरी कहानी सुनाता है और डेविड के बेटे को ये रियलाइज होता है कि जो भी कुछ हुआ वो एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी और जो भी जहर डेविड के दिमाग में सुलेमान के खिलाफ भरा हुआ था वो सिर्फ पुलिस और नेताओं का भरा हुआ था, सुलेमान की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी सुलेमान का मर्डर हो जाता है। ये सुलेमान का मर्डर किसने किया ये आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो बात करते हैं कि फिल्म कैसी है। अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म द गॉडफादर और बॉलीवुड की फिल्म सरकार देखी है तब आप इस फिल्म से रिलेट कर सकते हो। यह फिल्म कहीं ना कहीं आपको इन दो फिल्मों की याद जरूर दिलाएगा। सुलेमान जो कि पुलिस और सरकार की नजर में तो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है लेकिन लोगों के लिए वो एक हीरो से कम नहीं है। कारण उसके आगे बढ़ने और पैसे कमाने के तरीके भले ही गलत हैं लेकिन वो इंसान गलत नहीं। स्मगलिंग करता है लेकिन अपने गांव में कभी ड्रग्स और हथियार को आने तक नहीं दिया और फाइनली अपने उसूलों और सिद्धांतों के वजह से उसके दुश्मनों का जो घाटा होता है उसका बदला लेने के लिए उसके खिलाफ साजिश की जाती है और फाइनली उसकी जान ले ली जाती है। तो इस फिल्म की सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगी वो पहली थी इसकी डायरेक्शन और दूसरी फहाद फाजिल की जबरदस्त एक्टिंग। फहाद फाजिल के जवानी से लेके बुढ़ापे तक का, एक यंग लड़के से लेकर एक बड़े डॉन बनने तक का पूरा टाइमलाइन दिखाया गया इस मूवी में और जो वेरिएशन है, छोटी छोटी डिटेलिंग है उनकी एक्टिंग में, वो इस फिल्म को बिल्कुल रियल रखती है। फहाद फाजिल ने अपने रोल के साथ कंप्लीट जस्टिस किया है और एक डॉन की भूमिका में वो बखूबी नजर आए। डायलॉग्स कम होने के बावजूद सिर्फ अपनी आंखों से हजारों बात कह देने वाले सुलेमान का रोल आई थिंक इनसे ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं कर सकता था। फिल्म के स्टार्टिंग में ही पहले 13 मिनट का शॉट बिल्कुल कंटिन्यूअस शॉट है बिना किसी कट के और वो पहले 13 मिनट ही काफी हैं आपको इस मूवी में घुसा लेने के लिए। फिल्म में एक साधारण से लड़के का एक डॉन बनने की कहानी है, क्रिश्चियन और मुस्लिम दो समुदायों के बीच के संघर्ष की कहानी है और सरकार और पुलिस किस तरीके से धर्मों को आपस में लड़वाती है और मैनिपुलेट करती है अपना मतलब पूरा करने के लिए, इसकी कहानी है। फिल्म आपको Amazon Prime पर मिल जाएगी और ये फिल्म करारा जवाब है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि साउथ की फिल्मों में इलॉजिकल एक्शंस के अलावा और कुछ नहीं होता। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, सरकार देखी है और गॉडफादर देखी है तो आप समझ लो कि ये फिल्म इन तीनों का एक कंप्लीट और एक बेहतरीन मिक्सचर है। हालांकि इस फिल्म को इन तीनों से कंपेयर करना नाइंसाफी होगी लेकिन इस फिल्म की डायरेक्शन और एक्टर्स की जबरदस्त एक्टिंग इस फिल्म को एक अलग पहचान देती है एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। आउट ऑफ 10 अगर मुझे पॉइंट्स देने हो तो मैं इस फिल्म को क्लियरली 9 पॉइंट्स दूंगा। जबरदस्त डायरेक्शन, फिल्म की जबरदस्त कहानी और एक्टर्स की बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग के लिए। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके बताइए फिल्म आपको कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो अभी जाकर देखिए। मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, बाय।